ये मोटी कटिंग है यही ना। बिल्कुल। इसको आप दाना बना सकते हैं, 4 नंबर पे 5 नंबर पे मोटा दाना बना सकते हैं, और बारीक दाना चाहिए तो 2 नंबर पे काट के 3 नंबर पे भी आप काट सकते हैं। ये मशीन फुली ऑटोमेटिक है? हाँ, ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है। ये हम दाना बना के आपको दिखाएंगे। अभी लच्छा बन रहा है। हाँ, पहले बार में लच्छा गिरेगा। हाँ, दाना बनाने के लिए इसको वापस रखेंगे, बस इसमें आपको रख देना है। इसमें सिर्फ रख देना, उठा के अपने आप ही बेल्ट के द्वारा तीर लेगा। देखिए आपका दाना आ रहा है, तो आपका दाना आ गया। अच्छा, और यहाँ देखिए ये मेन स्विच लगा हुआ है, यहाँ से आप बिजली क्या कर सकते हैं, तुरंत ऑन और ऑफ कर। हाँ, ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। इसका बिजली का कंजप्शन कैसा है? ये मशीन 1 HP के मोटर से चलती है। 1 HP का मोटर ही लगा हुआ है। कौन सी कंपनी का है? ये क्रॉम्पटन मोटर, क्रॉम्पटन कंपनी है, क्रॉम्पटन ग्रिप्स का है मोटर ये। इससे बढ़िया मोटर भी नहीं है मार्केट में। इसका बिजली कंजप्शन काफी कम है, और भी मोटर कंपनी है, मोटर कंपनी है, लेकिन उनका कंजेशन ज्यादा होता है जो लोकल मोटर होती है, लेकिन कंपनी का जो मोटर है उसमें बिजली बहुत कम खाती है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे जो नॉर्मली आदमी नहीं बताता है, मतलब इसमें कितना केजी कटिंग के बाद जो है ये ब्लेड जो है यहाँ लगा हुआ, ये वाला ब्लेड जो है यहाँ पे, ये ब्लेड जो है ना मशीन में, अगर जिन लोगों को मोटा कटिंग करना होता है, डबल कटिंग करना होता है, तो 3 नंबर या 4 नंबर कटिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में ये ब्लेड आपको 150 किलो काटेगा। उसके बाद इसमें आप धार लगा लीजिए। जो लोग बारीक काटते हैं 2 नंबर पे 1 नंबर पे, तो 80 से 90 किलो में ये ब्लेड में खोल के धार लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए ये मशीन में सामान्यतया जो है ना, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है 5 साल से 7 साल में, तो कहाँ क्या इसमें समस्या होती है कुछ? देखिए, इसमें ज्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मशीन एक टाइम पे चलने में क्या होता है कि बेयरिंग में आवाज आती है। सबसे पहले ये तो ठीक है, लेकिन हम जानना चाहेंगे चूंकि ये 8 साल तक ये मशीन चलाए हैं, यही मशीन चलाए हैं, तो आप अपना ओपिनियन दीजिए कि 8 साल जब मशीन चलाए हैं तो 8 साल में आपको क्या समस्या देखने को मिली मशीन में, कुछ ऐसा होता है इसमें? उस टाइम सर नया थे, हम ये देख रहे थे ज्यादा इसमें स्प्रिंग टूट रहा था, वो सिस्टम हट गया है। अच्छा, अब स्प्रिंग वाला सिस्टम, स्प्रिंग कहाँ लगा हुआ रहा था? स्प्रिंग पहले वहीं पर था, मॉडल चेंज हो गया है। अच्छा, स्प्रिंग पहले थोड़ा ज्यादा टूटता था। हाँ हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब स्प्रिंग नहीं टूटता। नहीं, अब नॉर्मली आप चूंकि आप खुद ये मशीन खरीद रहे हैं। जी जी। अच्छा, कितना पड़ गया आपको ये? इसका प्राइस 70,000 रुपये है। कितना? 70,000। 70,000 पड़ गया। अच्छा, ये 70,000 ये मशीन, ये 6 DCM मशीन है, जिसमें आप लच्छा और क्या दाना दोनों कटिंग कर सकते हैं। उसको बैक कर लीजिए। अच्छा, 75,000 है? जी जी, 75,000 इसका पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो 70,000 फिर क्यों बोले आप? नहीं अति था इसलिए बोल दिया। अच्छा चलिए, कोई नहीं। ये दोस्तों, ये 75,000 की टोटल सेटअप है, और आप ये रॉ मटेरियल आप मतलब आपको लोकल में मिल जाता है रॉ मटेरियल इसका? नहीं, लोकल में तो खोजने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए अब आप तो चूंकि मशीन खरीद लिए हैं, जो लोकल बिजनेस करना चाहते हैं क्या मार्जिन है, जैसे कोई नया चाहे कि स्टार्टअप हम शुरू करें? स्टार्टअप देखिए सेलिंग के मुताबिक अपना अपना इंसान मशीन लेते हैं। सेलिंग कैसा है, जैसे पुड़िया अगर ज्यादा खपत है तो बड़ा मशीन का वहाँ आवश्यकता है। काउंटर के लिए तो छोटा मशीन ऑलरेडी बना हुआ है। बचत है इसमें? बचत तो है, टाइम का बहुत बचाव है। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भर दिन में मान लीजिए काटते हैं, मतलब कितना सेलिंग कर लेते हैं आप? अभी तो हम नया तो शुरुआत अभी कर रहे हैं। शुरुआत कीजिए, जहाँ आप रहते थे वहाँ के बारे में बताइए कुछ। वहाँ के बारे में तो वहाँ लमसम 4-5 क्विंटल पर डे काटता था प्रतिदिन। 4 से 5 क्विंटल काट देते थे? जी। अच्छा, तो 5 क्विंटल सेल अच्छा था। उससे मतलब सेल कैसे करता था वो, दुकान दुकान या मतलब? दुकान उनका कटिंग भी बिकता था, पुड़िया भी बनता था।
यही दो सेल होता था। अच्छा अच्छा अच्छा, मार्जिन इसमें अच्छा है इस बिजनेस में, है ना? जी जी, मार्जिन है, बेनिफिट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यदि आप भी करना चाहते हैं लोकल में कहीं भी, इससे आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अच्छी मशीन है, और मतलब आप मानिए कि मतलब यदि आप 75,000 रुपया लगा देते हैं तो दिन का कितना कमा सकता है आदमी इससे? दिन का देखिए सेलिंग के मुताबिक खैनी जितना बिकेगा, यदि एक क्विंटल हम सेल करें प्रत्येक दिन, एक क्विंटल, तो एक क्विंटल में कितना बचत आ जाता होगा? एक क्विंटल में कितना बचत आएगा? पुड़िया अगर ले चलेंगे तो 5,000 रुपया बचेगा। 5,000 रुपया पन्नी रबर बचत है, पन्नी रबर सब काट दीजिए। अच्छा अच्छा, सोचिए एक क्विंटल यदि आप सेलिंग करते हैं, और लेकिन जहां आप रहते थे 4-5 क्विंटल वहां सेलिंग कर लेता था, तो सोचिए एक दिन में 20 से 25,000 जहां ये रहते थे वो सेल करते, 20 से 25,000 रुपया वो उनका बचत बचत था सिर्फ सब कुछ काटने के बाद, ठीक ना? तो आप भी ये मशीन कहाँ जा रहा है बेसिकली? ये बेगूसराय जा रहा है। अच्छा, बेगूसराय जा रहा है। तो इस मशीन के बारे में यदि आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं, कुछ डाउट भी है यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। अच्छा, इस मशीन के साथ आपको क्या क्या मिल जाता है? मशीन के साथ रिंच मिलेगा, सिर्फ रिंच भी मिलेगा। अच्छा, आप कुछ बताइए और इसमें इस मशीन के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये है पटना इंजीनियरिंग वर्क्स के ओनर। मशीन के साथ जो इसके जरूरत के सामान होती है, जैसे रिंच का सेट हम देते हैं, ऑयल कैन देते हैं जिसमें नए मोबिल इसमें डालने के लिए होते हैं, नट बोल्ट एक सेट देते हैं, स्प्रिंग वाशर, जो मशीन में जरूरत का सामान वो देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको ले कैसे जाइएगा आप? ले जाने की क्या व्यवस्था है? ले जाने का बहुत सा ऑप्शन है, जिनके पास अपनी सवारी है वो ले जा सकते हैं, या ऑटो है, टेम्पो है, ले जा सकते हैं। इस मशीन का अप्रोक्सीमेट वजन क्या होगा? ये मशीन का वजन करीब करीब 110 से 115 किलो होंगी। अच्छा, एक क्विंटल मतलब 120 किलो के आसपास होगा। 120 किलो के आसपास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मशीन 75,000 रुपए की है। यदि आप भी मंगाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि लेना हो तो आप कॉन्टेक्ट बेहिचक निसंकोच उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, कुछ भी इंक्वायरी लेना हो तो आप कॉल कीजिए अभी, ठीक ना?